असत्यमेव जयते। हाँ, आपने सही सुना है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वह सब असत्य का ही जय जयकार करने वाला इतिहास था। जैसे कि हमने यह पढ़ा, आर्यों का आक्रमण यहां पर हुआ, कई बाहर के देशों से श्वेतवर्णीय आर्य यहां आए और यहां पे जो स्थानिक लोग थे उनको पराजित किया। इस प्रकार की एक मनगढ़ंत कहानी जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और इसके कारण दक्षिण भारतीय अलग है, उत्तर भारतीय अलग है, पश्चिमी भारतीय अलग है, पूर्व भारतीय अलग है, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। पराभव और अपमान यही भारतवर्ष की पहचान है, इस तरह का इतिहास हमारे ऊपर थोपा दिया गया। विश्व विजयी अलेक्जेंडर को महाराजा पोरस ने भारतवर्ष की सीमाओं पर ही कड़ी हार दे, उसका पराजय कर दिया। कौन जीता कौन हारा किसको पता नहीं, लेकिन हमें सिखाया गया कि अलेक्जेंडर ने भारत में दिग्विजय किया। कौन सा दिग्विजय, कहां का दिग्विजय? ऐसी कई झूठी कहानियां हमारे ऊपर थोप दी गई। सूफी संतों को साधु बना दिया। ये सूफी लोग कौन थे, उनका एजेंडा क्या था, वो क्या करना चाहते थे, सब गुड़ी 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 बातें हमें बता दी गई और उनका असली चेहरा हमसे छुपाया गया। महाराजा अशोक और अकबर, इनको हमने ग्रेड बना दिया। सेक्युलरिज्म के नाम पे झूठी कहानियां जोड़ दी। आज तो इसका परिणाम इतना हुआ है कि औरंगजेब को भी हम महात्मा और संत मानने लगे। किस तरह का इतिहास हमें सिखाया गया? चरखा चला के सूत मिलता है, लेकिन स्वतंत्रता मिली, इस तरह की बातें हमारे गहन पे थोप दी गई। और जो कुछ हुआ, जो पसंद नहीं है हमें, वो नृशंस कहानियां हुई नहीं। इस प्रकार का एक भ्रांतिपूर्ण इतिहास लिखा गया। असत्यमेव जयते, यह अभिजीत जोग द्वारा लिखित किताब इन सब विकृतियों का पर्दाफाश करती है, भारत की असली खोज करने में यह आपको सहायता करती है। असत्यमेव जयते किताब इतिहास की भ्रांतियों को उजागर करके सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ उसके ऊपर भाष्य करती है। यह पुस्तक पढ़ने से आप खौल उठोगे, आपको सदमा पहुंचेगा और आपको दुख होगा किसी किस तरह से यह झूठी बातें हमारे ऊपर थोप दी गई। लेकिन इसके साथ में भारत की गरिमा की आपको पहचान होगी, भारत के सही इतिहास की आपको पहचान होगी और आपका सीना आत्मविश्वास से, अभिमान से, गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 17 दिसंबर 2022 को यह पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में प्रकाशित हो रही है। मराठी भाषा में ये पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यह पुस्तक की एक प्रत आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए सुरक्षित कर लीजिए। नमस्कार।